नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आगे आने वाले 3 दिन कैसे रह सकते हैं बैंक निफ्टी को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे और समझते हैं कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कहाँ पोजिशन बनानी चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन का डाटा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग देख सकते हो आप, 30,600 पे क्लोजिंग आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, क्योंकि 30,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका रहेगा तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रहती है बैंक निफ्टी में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 30,500-600 पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले 30,500 की बात करते हैं। 30,500 की जो पुट है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे पुट पे, जो कि करीब 6,94,000 का है यहाँ पे। और इसके कंपेरिजन पे अगर मैं कॉल की बात करूँ तो 30,500 की जो कॉल है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि करीब यहाँ पे 2,43,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि एज़ कंपेरिजन देखा जाए 30,500 की जो पुट है उससे काफ़ी कम है। तो 30,500 आपके लिए हो सकता है एक सपोर्ट का काम करे फिलहाल के लिए एज़ पर द करेंट डाटा। वहीं अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल की बात करें, वो है 31,000 का लेवल, जहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि 10,40,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। फॉलो करने के बाद अगर बात करें 30,900 और 30,800 दोनों जगह करीब करीब 4,48,000 और 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, 30,800 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, यानी 30,800 30,900 यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में पुट लेके काम करना है। ये क्लियर, ये यहाँ पे क्लियरिटी हमें मिल गई है, क्योंकि इस लेवल पे कॉल राइटर्स नहीं है। ठीक है, नीचे जो टारगेट मिल सकता है अगर आप इस लेवल पे पुट खरीदते हो तो 30,500 तक का मिल सकता है, ये चीज़ है। अगर 30,500 टूटता है, 30,500 टूटता है तो क्या नीचे गिरने के चांसेस हैं? ठीक है, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि 30,300 और 30,400 पे यहाँ पे कोई कॉल राइटिंग इतनी हो नहीं रही है सफिशिएंट कि यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी और सेल ऑफ दिखाए, तो यहाँ से एक बाउंस पे आने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है कि 30,200-300 की रेंज में, यानी 30,300 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी किसी भी रीज़न से मिलता है, आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो 30,500-30,600 के टारगेट के लिए। ये आपका एक जोन है, ये दो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी आपको 30,300 पे फोकस रखना है और ऊपर 30,800 पे फोकस रखना है। अगर ये दो पॉइंट आते हैं आपको, इनके नियरेस्ट अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप ट्रेड डालिए, अदरवाइज आप ट्रेड को अवॉइड करिए, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पे अगर आप ट्रेड डालते हो तो आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनेगी एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। बाकी बीच में अगर 30,600-30,500 के जोन में अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी पोजीशन पे, मूवमेंट आएगा नहीं आएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात रहती है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन पे फोकस रखिए, नीचे 30,300 ऊपर 30,800 आते हैं तो ट्रेड करिए, अदरवाइज अवॉइडेड। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।